तो गाइस ये है यहाँ पे मछलियों की वैरायटी। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये है तेलापिया, उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ये है आपका रेहू वगैरह, और मेन आइटम जो है ना आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ये चेक करो, यहाँ पे झींगा है, छोटा है, बड़ा है, चनवा है, पोठी है, हर तरह का मछली आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये मछली का माथा है। अच्छा, मछली का खाली मूढ़ी स्पेशल। ये देखो स्पेशल मछली का मूढ़ी, कौन मछली का, रेहू है, है। सब मिलल है। तो ई कैसे देते हैं मछली का माथा अगर ले कोई तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं रांची शहर से 150 किलोमीटर दूर इस खूबसूरत से डैम के किनारे एक प्योर देसी टिपिकल ढाबे को एक्सप्लोर कराने के लिए। और आज जो ढाबा हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर आप बोलोगे कि भाई साहब कहाँ लेकर आए हो, लेकिन वहाँ पे जो मछली वगैरह मिलता है उसको देखकर आप बोलोगे हाँ सही जगह लेकर आए हो, क्योंकि वहाँ पे ना मछलियों का आपको वैरायटी मिलने वाला है। और जो वहाँ पे मछली मिलता है वो होता है इसी डैम का, मतलब कि आपको जो है ताज़ा मछली के साथ साथ बिल्कुल देसी सा स्वाद भी वहाँ पर मिलने वाला। और हमने सुना है कि वहाँ पर जो मछली वगैरह बनाकर खिलाते हैं लोग उसके बड़े दीवाने हैं। तो उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, मछलियों का स्वाद वहाँ पर चखेंगे, लेकिन उससे पहले उस जगह पर पहुँचना कैसे है वो जान लेते हैं। तो अभी जिस जगह पर जो को बोला जाता है जम्मू खाड़ी, जो कि पड़ता है आपके चंदवारा थाने के अंतर्गत, जिला इसका कोडरमा होने वाला है रांची शहर से। इसकी दूरी तो हमने बताई आपको, ये जो है आपका तिलैया डैम के ठीक बगल में है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। पहुंचने में यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये डैम और ये होटल दोनों आपको दूर से दिख जाने वाला है। इनके से अगर फिर भी दिक्कत होती है तो गूगल मैप का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके और आँख बंद करके इस होटल में पहुँच सकते हैं। तो गाइस इस जगह पे पहुंचना कैसे है वो तो हमने बताया, अब आपको ये जगह एक बार दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप होटल का नाम देखो, यहाँ पे होटल का नाम है भाई साहब झरी बाबा झींगा लाइन होटल, और यहाँ पे झींगा मछली मिलना अनिवार्य है। अब आपको जो है ना भीतर लेकर चलते हैं। तो ये देखो, ये है सारा बैठने का व्यवस्था, बिल्कुल देसी तरीके का सिस्टम है, चौकी लगाए हैं दोनों साइड पर। इस साइड पर किचन का एरिया है जहाँ पर सारा खाना वगैरह बनता है, बना के रखा हुआ है। और ये देखो कोयला के आँच पे सब कुछ पकता है, और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म रोटी रोटी वगैरह भी मिल जाता है आंटी। हाँ। मतलब गर्म गर्म बना के दे देते हैं। और यहाँ पे देखो मछली, भाई साहब वैरायटी चेक करो सबसे पहले, तो थोड़ा बताइए ये कौन मछली है। ये तेलपिया है, ये कौन सा है। अच्छा पूरा मतलब हर तरह का वैरायटी है। तो भाई साहब यहाँ पे टेंगरा उंगरा भी रखते हैं। ये लगता है चंदा मछली है का। चंदा है, छोटा झींगा है, मोटा झींगा है, एगो बोवारी भी है, यहाँ पे बड़ा मछली भी है, रेहू रहता है, पूरा वैरायटी रखते हैं। तो अभी लगता है कि थोड़ा खत्म हो गया शाम शाम बोल के। शाम के तरफ से कार्तिक भी है इसलिए, और यहाँ पे कस्टमर थोड़ा देर पहले भरा हुआ था सब, लगता है न खा के निकल गया। तो भाई यहाँ पे जो है इस तरीके का झोर झार वाला भी रखते हैं कि झोर कहाँ रखे हैं, दिखाइए थोड़ा सा झोर वाला, थोड़ा चला के दिखाइए ना, तब ना झोर के रंगत देखेंगे। ये देखो भाई साहब खतरनाक, क्या चीज़ का झोर है, प्याज वाला की। अच्छा सरसों वाला है। आई कौन मछली है झोर में जो है। ये मछली का माथा है। अच्छा मछली का खाली मूढ़ी स्पेशल। ये देखो स्पेशल मछली का मूढ़ी, कौन मछली का, रेहू है, सब मिलल है। तो ई कैसे देते हैं मछली का माथा अगर ले कोई तो। बड़ा वाला 50 रुपये है। 50 रुपये पीस। छोटा वाला 30 रुपये। छोटा वाला 30 रुपये है, और ई कैसे पीस है। वो है 30 रुपये गोटा वाला, और उससे बड़ा 60 रुपये, मतलब जैसन साइज वैसा दाम रहता है। और झींगा कैसे खिलाते हैं ये बताइए। झींगा खिलाते हैं 160 रुपये प्लेट। 160 रुपये प्लेट, आधा प्लेट मिलता है कि मिलता है 80 रुपये में। तो भाई साहब यहाँ पे झींगा देख लो क्या बढ़िया तरीके से बना के रखा। अच्छा क्या क्या मसाला डालते हैं झींगा होगा भूनने में। सब ये सब धनिया मिर्च सब आदि सरसों लहसुन। अच्छा गरम मसाला। तो मसाला पीस के सब क्या चीज़ में पीसते हैं। मसीन में पीसते हैं या सिल्ला में पीसते हैं। अच्छा सिल्ला भी रखे हैं। तो ये देख लो भाई साहब यहाँ पे पत्थर भी है रखा हुआ, पत्थर में भी पीसा जाता है, बहुत बढ़िया। तो गाइस सारी जानकारी हमने ले ली है, मछली का रेट वगैरह जान लिया है, अब अपने लिए गर्मा गर्म रोटी, मतलब ये सब चीज़ देख रहे हो भाई, ये सब आपको इसी तरह के जगह में मिलेगा, आँख के सामने एकदम रोटी आपको गर्म गर्म बना के दिया जाएगा। टाइमिंग वगैरह क्या रहता है, कितने बजे से खुल जाता है होटल आपका आंटी। 6 बजे से 7-8 बजे, मतलब सुबह 6 बजे से रात शाम के 7 बजे तक रहते हैं। और कोनो दिन छुट्टी भी कि 7ों दिन खुलता है। नहीं छुट्टी कोई दिन नहीं रखते।
कोई दिन नहीं, सातों दिन। वाह, तो ज़्यादा अच्छा कस्टमर किधर से है, बिहार से है कि झारखंड का है? झारखंड का ज़्यादा है। वाह, मतलब यहाँ गाड़ी उड़ी ट्रक व्रक रुकता है तो लोग भी आता होगा। बहुत बढ़िया। तो गई जिस साइड पे जो है रोटी बनकर दे दिया गया गर्मा गर्म, और अब जो है ना यहाँ पे मछलियों को फिर से एक बार सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म किया जा रहा है ताकि खाने में जो है कुरुम कुरुम लगे और मज़ा आए। तो गई जी, मछली का लजीज सा थाली हम लेकर आ चुके हैं इस खूबसूरत से नज़ारे के ठीक सामने, इस मछली का स्वाद आपको चक्कर बताने के लिए। और ये जो मछली देख रहे हो ना, बस इसी डैम से पकड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खाना, और झींगा से स्टार्ट करते हैं, वो भी मोटा वाला झींगा से। तो झींगा का मिठास, आहा, ताज़ा फ्रेशनेस, हल्के मसालों के साथ भुना हुआ सरसों के तेल में। जनरली क्या है ना, बड़े जगहों पे आप जाओगे ना तो भाई रिफाइन का यूज़ कर दिया जाता है, सारे जगहों की बात नहीं कर रहा, कुछ एक जगह मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, लेकिन इस तरीके के जगहों पे ना सरसों तेल, और मज़ा सरसों तेल में ही आता है। भूंजा इतने अच्छे से गैक खर करके कि भाई साहब करारा दांतों में बज रहा है, बहुत अच्छा। छोटा वाला झींगा उठाते हैं। एक नंबर, मतलब रांची से इतना दूर बाइक चला के आने के बाद अगर ऐसा स्वाद मिले तो भाई हम बार बार आ सकते हैं, गजब का टेस्ट है। और अब चंदवा लेते हैं। ये मछली हम बाज़ार में बहुत बार देखे हैं, कभी ट्राई नहीं किए थे बाज़ार में, कारण कि वहाँ पे पेटी वेटी साफ करके कोई देगा नहीं, किसी के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इतने अच्छे से इसको साफ़ किया गया है ना, पेटी का टेस्ट ज़रा भी नहीं है गंदा, मछली का स्वाद है। लेकिन जैसे और मछली होता है ना कि मछली का अपना स्ट्रांग सा फ्लेवर होता है, चंदवा का वैसा स्ट्रांग सा फ्लेवर नहीं, और थोड़ा चिम्मड़ भी है खाने में। और इसका कांटा भी मोटा मोटा है। रोटी तो हमने ले लिया है, पर रोटी खाए किस चीज़ के साथ ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो झोर हमारे को मिला है ग्रेवी, वो ग्रेवी चावल के ऊपर ही जो है ना लटपटा चुका है, और हम आ चुके हैं होटल से थोड़ा दूर भी, तो भाई जाके मांगने में भी टाइम लगेगा। तो मतलब सरसों पोस्ता का इतना बढ़िया सा बैलेंस रखा गया है कि आपको ना इसमें सरसों का कड़वापन उतना समझ में नहीं आएगा, माइल्ड माइल्ड सा टेस्ट है। बहुत अच्छा। प्रॉन एक बार लेते हैं, बड़ा वाला ही। ये सब चीज़ हम ले तो लिए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि प्रॉन ही लेना चाहिए था ज़्यादा। मुंडे में कुछ था नहीं, खाली सहेली था, लेकिन करारा इतना था और मसालों का टेस्ट इतना अच्छा था कि भाई वो भी खा गए हम। और अब बोबारी, बोबारी देख रहे हो, बोबारी का हम कटारी ज़्यादा लग रहा है। ताज़ा मछली का देखो बात ही अलग है, बहुत सही सा टेस्ट था। भुजा इतने अच्छे से गया ना, मसाला वगैरह बहुत अच्छे से चल पिया। स्वाद तो है भाई, कोई भी मछली ले लो, स्वाद है, मस्त है। तिलपिया में कांटा बहुत है, तो इसको जो है ना देख देख के खाना पड़ेगा।
टेस्ट हमने सबका लिया है, सभी मेरे को पसंद आया, लेकिन अगर आप आओ ना तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा चिंगड़ी, झींगा, झींगा ही खाना है यहाँ पे आके, झींगा आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो फिलहाल इसमें जो है ना काटा वाटा है, इन सबको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा झोर भी लेंगे होटल पे जाके, क्योंकि ऐसे सूखा खाने वाले हैं नहीं। तो वीडियो को मैं ही एंड करते हैं और उस होटल पे जाने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और आप भी चाहते हैं इस खूबसूरत से झील से पकड़ा हुआ ताज़ा ताज़ा मछली खाना, तो वीडियो में सारा डिटेल है। आइए कहिए कॉमेंट करके हमारे को बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ इसी तरह का नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो गाइस खाना पीना खा के बस निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे निकलते हुए जो भाई लोग कुछ अपने मिल चुके हैं जो कि अपने बराबर वीडियो देखते हैं। यस सर। वाह, कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो वगैरह? अच्छा लगता है, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। आपको देख के तो हम लोग गए वहाँ से आ गए लौट। अच्छा, मतलब हमको देख के रुके कि गाड़ी देख के पहचान? आपको भी देख के, गाड़ी भी देख के, हर चीज देख के, दोनों चीज, हर चीज देखते हैं। अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादा, थैंक यू।